जवा तहसील कार्यालय के सामने कुछ किसान कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। सभी किसानों की मांग है कि अंचल के नहरों में बाणसागर का पानी छोड़ा जाए, जिससे किसानों को खेती करने में परेशानी ना आए। जवा तहसील कार्यालय के सामने अनशन पर बैठे किसानों का 10वां दिन है। अभी तक कोई सक्षम अधिकारी किसानों से मिलने नहीं पहुंचा है। 7 सूत्री मांगों को लेकर अनशन में बैठे हुए किसान, इनमें अमरनाथ सिंह, पूर्व जनपद सदस्य लाखन सिंह, किशन लाल गुप्ता, राम सजीवन वर्मा, सभी किसान पथरौड़ा जवा तहसील के निवासी हैं। किसानों का कहना है कि जब तक हमारी सभी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं, तब तक यह अनशन चलता रहेगा। किसानों का कहना है कि जब खेती करने का समय होता है, तब प्रशासन द्वारा नहरों में बाणसागर परियोजना के तहत आने वाला पानी रोक दिया जाता है, जिसके कारण किसानों को खेती करने में सूखे का सामना करना पड़ता है। किसानों की प्रमुख समस्याएं एरा प्रथा और किसानों के किसानी के लिए पर्याप्त बिजली की मांग को लेकर यह किसान अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं। किसानों का अनिश्चितकालीन अनशन जारी है जवा तहसील के तहसीलदार के प्रांगण में, तहसीलदार कार्यालय के सामने। और तीसरी चौथी मांग हमारी है कि जो एरा प्रथा है, इनमें ज़्यादातर मवेशी रात में यहाँ रोड पर आकर रखर जाते, इससे बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते हैं। और जब उठते हैं तो जिस इलाके में जाते हैं 100-400 खा लेते हैं गैया, उस खेत को निपटा देते हैं, उस किसान को ख़त्म कर देते हैं। ये एरा प्रथा बंद की हो, और अगर शासन नहीं लगाम ले रहा है तो अपना ये गौशाला में इनको शिफ्ट करें। गौशाला जहाँ जहाँ बन गई हैं वहाँ शिफ्ट कराएं, और जहाँ नहीं बनी है तो फिर बनवाएं, वहाँ व्यवस्था शासन करें। और बिजली इतना कम मिल पा रही है किसानों को, इसलिए पानी की मांग कर रहे हैं। बिजली से मोटर तक नहीं घूम रहा है, और बिजली एक घंटे गोल रहती है तो आधा घंटे के लिए आती है, ये स्थिति है। और अपने यहाँ से बिजली उत्पन्न नहीं हो रही है, जहाँ 100 रुपये ले करते हैं, 1000 रुपये यहाँ दिल्ली बॉम्बे भेज रहे हैं बिजली, और यहाँ यहाँ वालों को मिल नहीं रही है।